हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे और हमारे पीछे, और आज का टॉपिक है जो हमारा वुडवर्ड 505 कंट्रोलर होता है, उसकी बेसिक वर्किंग फिलॉसफी क्या है, मतलब क्यों हम इस कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कितने मोड्स पर काम करता है और क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन वीडियो की लिस्ट में जाके देखें, एक बार कमेंट करने से पहले आप ये देख लें कि वो वीडियो हमारी लिस्ट में है या नहीं। इसके साथ ही साथ आपको जो है, आप अपने टॉपिक को यहाँ पर मैंशन भी कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं जो अभी हमें पब्लिश नहीं किया है। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा वो वीडियो अवेलेबल है कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं वुडवर्ड 505 कंट्रोलर की। दोस्तों, वुडवर्ड 505 कंट्रोलर की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, कंट्रोलर बहुत तरीके के भी होते हैं। आजकल जो मॉडर्न टर्बाइन आ गई है उसमें इस वुडवर्ड 505 के अलावा हम लोग PLC का यूज़ करने लगे हैं। तो खाली आप दिमाग में सबसे पहले ये मत सोचिएगा कि दिस इज़ द ओनली कंट्रोलर विच इज़ ओनली रिक्वायर्ड फॉर द रनिंग द टर्बाइन। मतलब खाली दुनिया में यही एक कंट्रोलर नहीं होता है वुडवर्ड जो टर्बाइन चलाने के काम आता है। चलिए अब वुडवर्ड की बात करते हैं, क्योंकि वुडवर्ड एक बहुत ही कॉमन है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वुडवर्ड कंट्रोलर क्या करता है? वुडवर्ड कंट्रोलर के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है कंट्रोलर का? आपके टर्बाइन जो होती है, स्टीम टर्बाइन की अगर मैं बात करूँ तो स्टीम टर्बाइन के लोड को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ द स्टीम। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है एक बेसिक रिलेशनशिप की, सपोज़ करिए आपकी टर्बाइन का जो भी मैक्सिमम लोड है उस लोड तक पहुंचना है तो स्टीम की डिमांड धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। यानी लोड एंड द स्टीम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे स्टीम बढ़ती है वैसे वैसे लोड बढ़ता है। तो वो जो स्टीम बढ़ाना है, लोड को मेंटेन करना है, वो काम किसका है? कंट्रोलर का। कंट्रोलर क्या करता है? आपके जो टर्बाइन पे इनलेट वाल्व होता है जिसे हम लोग थ्रोटल वाल्व कहते हैं, थ्रोटल वाल्व को मेंटेन करना, यानी जैसे नॉर्मली हम अपने कंट्रोल वाल्व को कम ज़्यादा करते हैं ना किसी सेट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उसी तरीके टरबाइन पे ये कंट्रोलर क्या करता है? थ्रोटल वाल्व को कम ज़्यादा करता है, उसी के अकॉर्डिंग स्टीम जो है वो टरबाइन के अंदर जाती है और वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग हमारा लोड चेंज होता है। अब इसमें भी दोस्तों कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि कई सारे मोड्स होते हैं इसमें कंट्रोलिंग के, वो क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब आपकी टर्बाइन स्टार्टअप कंडीशंस होती हैं, देखिए दोस्तों, जब कंट्रोलर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि जैसे आपने टर्बाइन फ्रेश स्टार्ट करी तो वो होता है क्लीन स्टार्टअप। उसके बाद अगर आपने टर्बाइन आपकी चल रही थी, ट्रिप हुई या बंद करी, बंद करने के बाद आपने उसे तुरंत चलाया तो दैट इज़ कॉल्ड अ कोल्ड वार्म स्टार्टअप। या आपकी टर्बाइन चल रही थी, कुछ देर आपने रखा 5-6 घंटे और फिर भी टेम्परेचर है टर्बाइन का वो काफ़ी हद तक मेंटेन है, तो उसे हम बोलेंगे वार्म स्टार्टअप। तो यानी तीन तरीके के स्टार्टअप होते हैं स्टार्टिंग वाले। एक होता है बेसिक स्टार्टअप जिसमें आपकी टर्बाइन जीरो से स्टार्ट होती है, यानी कोई टेम्परेचर नहीं था। दूसरा आपका वार्म स्टार्टअप, तीसरा आपका कोल्ड स्टार्टअप। तो ये जो तीन स्टार्टअप है, इन स्टार्टअप को क्या करना होता है, इस कंट्रोलर को मेंटेन करना होता है उसके स्पीड को। जैसे सपोज करिए आपकी टर्बाइन है, उसकी रेटेड स्पीड 10,000 है, 10,000 अगर किसी टर्बाइन की स्पीड है तो ये कंट्रोलर ऐसा नहीं करेगा कि भैया स्टीम की वॉल्व खोलता चला गया और टरबाइन की स्टीम जो है 10,000 जो है 1-2 मिनट में बढ़ गई। अगर 1-2 मिनट में बढ़ जाएगी तो क्या दिक्कत होगी दोस्तों? सबसे बड़ा काम जो है इस कंट्रोलर का यही है, जो प्रोटेक्शन से हमें प्रोटेक्शन हमारी टर्बाइन की करता है। वो क्या करता है कि जितने भी स्टार्टअप कर्व है, तीन तरीके के, स्टार्टिंग, कोल्ड और वार्म, उसमें जिस तरीके से टर्बाइन को रैंप अप करना होता है, रैंप अप का मतलब होता है कि कैसे धीरे धीरे टर्बाइन को उसकी रेटेड स्पीड तक लेके जाएं, ये एक बेसिक सी काम जो होता है वो इस कंट्रोलर का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर सडनली आप किसी भी टर्बाइन को आप उसकी रेटेड स्पीड तक ले जाएंगे तो एक्सपेंशन होगा, के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है टर्बाइन की ब्लेड्स को और उसका वाइब्रेशन बढ़ सकता है। वाइब्रेशन के कारण जो है वो टर्बाइन की जितनी भी मतलब आपकी जो बॉडी है वो फट सकती है, मतलब काफ़ी भयंकर नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए और उस थर्मल एक्सपेंशन से आपके शाफ्ट को, आपके बेयरिंग को बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये कंट्रोलर यूज़ करते हैं। अब हमने आपको बताया कि तीन स्टार्टिंग मोड होते हैं जिसको ये कंट्रोलर जो है वो फॉलोअप करता है। इसके साथ साथ जो पहला, देखिए दो मोड होते हैं दोस्तों। एक होता है स्पीड स्टार्टअप कंट्रोल मोड, जो आप मैंने आपको बताया उसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं। कौन कौन से मोड आते हैं? एक स्टार्टिंग मोड, एक कोल्ड मोड और एक वार्म मोड। इसके बाद जब एक बार आपकी टर्बाइन आपके रेटेड स्पीड तक पहुंच जाती है
जो भी रेटेड स्पीड हो वो चाहे 8500 भी हो सकती है, 6500 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। तो उसके बाद इसका जो कंट्रोल होता है वो स्पीड लोड कंट्रोल मोड में शिफ्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, दो तरीके के मोड हो गए। एक पहला हो गया स्टार्टिंग स्पीड लोड स्पीड मोड, इसमें लोड नहीं आएगा क्योंकि लोड तो आता ही नहीं है। और उसके बाद सेकंड हो गया आपका स्पीड लोड कंट्रोल मोड, यानी जब एक बार रेटेड स्पीड तक पहुंच गई और आपने इस टरबाइन को, इस टीजी सेट को आपने सिंक्रोनाइज कर दिया ग्रिड के साथ या आपके होम लोड के साथ, तो जब होम लोड के साथ आपने सिंक्रोनाइज कर दिया तो ये जो कंट्रोलर अब काम करेगा वो काम करेगा स्पीड लोड मोड में। अब स्पीड लोड मोड में भी कई तरीके के मोड होते हैं। एक दोस्तों होता है कि जैसे आपका यूटिलिटी ब्रेकर, देखिए दोस्तों दो ब्रेकर होते हैं, वन इज़ द यूटिलिटी ब्रेकर जो आपका टरबाइन का आपके जो लोकल प्लांट है उसको सप्लाई देने के लिए जो ब्रेकर यूज होता है दैट इज़ कॉल्ड अ यूटिलिटी ब्रेकर। और यूटिलिटी ब्रेकर के बाद जो आपका एक और ब्रेकर होता है वो आपका होता है टाई ब्रेकर, जो ग्रिड टाई ब्रेकर होता है, यानी दूसरा जो आपको ग्रिड में सप्लाई करने के लिए ब्रेकर यूज़ होता है, मतलब ब्रेकर इन द सेंस मतलब रास्ता बनाता है ताकि आपको ग्रिड में सप्लाई हो सके। तो दो मोड में काम करती है टर्बाइन आपकी। अगर आपका ग्रिड नहीं जुड़ा हुआ है तो वो स्पीड लोड मोड में काम करेगा, और आपका टर्बाइन अगर ग्रिड से जुड़ा हुआ है तो आपकी ग्रिड की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग भी ये काम कर सकता है। मतलब आप जो मोड सेलेक्ट कर लेंगे उसे ड्रूपिंग मोड बोलते हैं, ड्रूपिंग मोड बोलते हैं। आप ड्रूपिंग वर्ड सर्च करिएगा इंटरनेट पे, तो ड्रूपिंग कंट्रोल मोड जब यूज़ होता है तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रिड की फ्रिक्वेंसी होती है, जो ग्रिड की फ्रिक्वेंसी होती है उस फ्रिक्वेंसी को मैच करने के लिए हमारा कंट्रोलर हमारे थ्रोटल वॉल को एडजस्ट करता रहता है उसकी स्पीड को थ्रोटल वॉल के थ्रू, ताकि हम ग्रिड की फ्रिक्वेंसी से मैच करके चले। एक तो वो कंट्रोल मोड होता है, वो कंट्रोल मोड हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं दोस्तों लोड मोड, वो भी हमारा जो ऑक्सिलरी लोड हमारा सेट पॉइंट दिया जाता है ऑपरेटर के द्वारा, यानी ऑपरेटर जो सेट पॉइंट देता है दैट सेट पॉइंट इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग द टर्बाइन। तो ये जो मोड है इसमें क्या होता है, ये सिंपल यूटिलिटी मोड है, इसमें टाई ब्रेकर लगा भी हो आपका ग्रिड का या ना भी लगा हो तो भी ये सेम तरीके से काम करेगा। इसमें क्या करता है कि आपने एक इनपुट दिया कि मेरे को 5 मेगावाट चलाना है, तो 5 मेगावाट इज़ द सेट पॉइंट इज गोज़ टू दिस कंट्रोलर, वो सेट पॉइंट इस कंट्रोलर में जाता है, वो कंट्रोलर उस सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग जितना थ्रोटल वॉल खुलना चाहिए और जितनी स्टीम रिक्वायर्ड है उतने फ्रिक्वेंसी। क्योंकि होता क्या दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि दोस्तों आरपीएम जो होता है आप 2 मेगावाट चलाओ, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, मेरे मन में अभी आया तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 2 मेगावाट भी चल रहा है, 10 मेगावाट भी चल रहा है और स्पीड सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है? 2 मेगावाट पे ही उतने आरपीएम पे मेरे को 10 मेगावाट भी मिल सकते थे। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो वैसे वैसे जो टर्बाइन का जो लोड होता है वो भी बढ़ता रहता है, यानी टर्बाइन जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे, और सपोज करिए आपने स्टीम नहीं खोलेंगे, आप एक ये केस होता नहीं है, आपने स्टीम नहीं खोलना है, आपने वॉल को फिक्स कर दिया और आप लोड बढ़ाते जाएंगे तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे आरपीएम बढ़ता जाएगा। दोस्तों जब किसी भी ड्रिवन इक्विपमेंट से आप पावर खींचते हैं तो उसको भी पावर चाहिए होती है, तो वो पावर आपने पीछे से ब्लॉक कर दी तो आपकी स्पीड धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इनलेट वाला जो थ्रोटल वॉल है उससे आपको स्टीम को ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि ज़्यादा फोर्स से स्टीम आए और ज़्यादा फोर्स से उस ब्लेड्स को धक्का दे और उस ब्लेड्स का एक्सेलरेशन उतना मेंटेन रहे जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली द पॉइंट इज एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन आप जैसे जैसे सपोज करिए आप अपनी टू व्हीलर का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और आपका वेट है 70 kg और आपकी जो बाइक की स्पीड है जितने एक्सीलेटर पे चल रही है वो ठीक है, आपने उसे कैलकुलेट कर लिया, उतने ही एक्सीलेटर में आप अपने पीछे एक और 80 किलो का वेट का एक बंदा बैठा दीजिए तो क्या उतनी स्पीड से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक्सीलरेशन कम हो जाएगा क्योंकि उसका वेट या लोड बढ़ गया है। उसी तरीके टर्बाइन पे भी जब आपका लोड बढ़ता है तो आपको आपकी स्टीम की सप्लाई की डिमांड जो है वो बढ़ानी पड़ती है, तो इसकी वजह से आपको एक्सेलरेशन, इसकी टर्बाइन की वजह से आप स्टीम का एक्सेलरेशन, स्टीम की वजह से एक्सेलरेशन मिलता है और टर्बाइन हमारी उतना आरपीएम मेंटेन करती रहती है और उतना लोड भी मेंटेन वो करके दे पाती है। तो दोस्तों ये पार्ट वन हो गया वुडवर्ल टर्बाइन का। पार्ट टू जो दो आएगा उसमें मैं आपको उसके पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। जो कंट्रोल मोड मैंने अभी वर्बली बताया है वो कंट्रोल मोड आपको दिखाऊंगा, इसके साथ ही साथ जो इनपुट्स इसको DCS से आते हैं या जो सॉफ्ट इनपुट्स को DCS में हम लोग लेते हैं एज अ मतलब विजुअल इंस्पेक्शन के लिए, वो सारे आपको दिखाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कर रहा हूँ, तो अगला वीडियो आप देखेंगे सेकेंड पार्ट इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि जो इसके अंदर सेटिंग्स
पड़ी होती है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्पफुल मिलेगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।